अब बात एक और बाबा की जिन पर लगे हैं बेहद गंभीर आरोप। बलात्कारी बाबा राम रहीम के काले कारनामों से पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है, लेकिन राम रहीम के खुलासों के बाद अब राजस्थान के एक बाबा की करतूत सामने आई। इस बाबा पर भी अपने भक्त से यौन शोषण के गंभीर मामले हैं। यौन शोषण के ये आरोप फलाहारी बाबा के नाम से मशहूर जगतगुरु की उपाधि रखने वाले बाबा पर लगे हैं। इस बाबा की बुरी नजरों की शिकार छत्तीसगढ़ की एक लड़की हुई। कहने को तो अलवर में भव्य आश्रम और स्कूल चलाते हैं ये फलाहारी बाबा, लेकिन अब इनके खिलाफ ही पुलिस ने यौन शोषण की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बाद बाबा की तबीयत बिगड़ गई और वह अस्पताल में भर्ती हो गए। अब पुलिस उनकी तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रही है। अध्यात्म का पीताम्बर ओढ़कर एक लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है राजस्थान के अलवर में दिव्य धाम चलाने वाले फलाहारी बाबा पर। वैसे तो इनका नाम जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी है, लेकिन ये सिर्फ फलाहार पर ही जिंदा है, इसलिए भक्तों के बीच फलाहारी बाबा ही पुकारे जाते हैं। एक लड़की ने जब से यौन शोषण का आरोप लगाया है इनके दिव्य आश्रम में सन्नाटा पसरा है। फलाहारी बाबा अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और पुलिस अस्पताल के बाहर खड़ी है कि बाबा की तबीयत ठीक हो तो पूछताछ करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आज एक सहायक उप निरीक्षक आए थे, जिन्होंने कि वहाँ से पत्रावली हमारे कार्यालय में सुपुर्द की है, जो कि वहाँ पे जीरो नंबरी FIR के तौर पे दर्ज की गई थी और उसमें उन लोगों ने जो प्रारंभिक जांच है और उसमें पीड़िता के बयान भी लिए उन्होंने और पीड़िता के जो भी मेडिकल कराना है वो कराया है, 164 के बयान कराए हैं। जिस लड़की ने बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है वो है तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली, लेकिन जयपुर में रहकर कानून की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मामला बिलासपुर होते हुए अलवर पहुंचा और जब अलवर पहुंचा तो उनके आश्रम की हवा खराब हो गई है। कोई बात तक नहीं करना चाहता। आरोप है कि रक्षाबंधन के दिन बाबा ने लड़की को अपना गुलाम बनाना चाहा था, आश्रम में उनकी आत्मा तक को नोच डालने की कोशिश हुई थी। पुलिस थाने में इसके अंतर्गत मुकदमा कायम किया है और उसके बाद इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे? अभी एक बार समस्त दस्तावेजों को देख करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते हैं कि फलाहारी बाबा की राजस्थान में हैसियत क्या है। फलाहारी बाबा का अलवर में कई सौ एकड़ में फैला आश्रम है। फलाहारी बाबा का दिव्य आश्रम के नाम से स्कूल है। फलाहारी बाबा का राजस्थान में कई धर्मशालाएं भी हैं। देश विदेश में लाखों अनुयायी हैं फलाहारी बाबा के। बाबा पर यौन शोषण का जो आरोप लगा है वो कभी सामने नहीं आ पाता, लेकिन लड़की का कहना है कि राम रहीम की हालत देखकर उसे हौसला मिला। इस आश्रम में लड़की के परिवार वालों का आना जाना पुराना है। जयपुर हाईकोर्ट में लड़की को नौकरी मिली थी तो आशीर्वाद लेने अलवर के आश्रम आई थी, लेकिन आशीर्वाद के नाम पर बाबा फलाहारी ने हरिओम हरी कहकर लड़की की जिंदगी खराब कर दी। एक बाबा हैं, बाबा फलाहारी, जो कि प्रपन्नाचार्य नाम लिखते हैं, अलवर में उनका आश्रम है मधुसूदन आश्रम के नाम से। तो वहाँ पे वो चूंकि जयपुर से पास है तो उसके पेरेंट्स ने कहा था कि जाके वो स्टाइफन मनी उस बाबा को दे आए। तो जब वो देने के लिए अगस्त में उनके यहाँ गई थी बाबा के आश्रम में, तो उस दौरान बाबा ने उसको वहाँ रुकने के लिए कहा और उस दौरान उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। अब पुलिस आश्रम और अस्पताल दोनों के बाहर बैठी है। बाबा के भक्त हैरान हैं, ये किस कीचड़ में फंस गए हैं गुरुजी। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी का सच अब जमाने के सामने है। गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजस्थान के अलवर से राजेश चौधरी के साथ आलोक शुक्ला, इंडिया TV, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।